हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अनिताज रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करती हूँ अच्छे भले चंगे होंगे। आज हमने बनाया है गोईठा। जी हाँ, चावल के फरा या गोईठा कुछ भी बोलिए। आप देखिए कितना अच्छा बना है, तो चलिए बनाते हैं इसको। हेलो दोस्तों, ये देखिए उड़द की दाल है ये। इसको मैंने अच्छे से भिगो कर 2-3 घंटा रख दिया था। फिर इसको मैंने छिलका उतार लिया है। थोड़ा थोड़ा छिलका है, चलेगा इसमें। अभी मैं इसको मिक्सर में इसको अच्छे से पीस लूंगी। हाँ, इसको पीसने के बाद हम बनाएंगे अपना फरा। अभी दोबारा से अभी आप जितना है धीरे धीरे करके आप सारा पीस लेंगे अच्छे से। दोस्तों बहुत अच्छा डिश बनता है ये, हमारे गांव का फेमस। ये देखिए दोस्तों, अभी ये लास्ट है, तो इसमें मैं थोड़ा से लहसुन और कच्चा मिर्चा इसमें डाल दूंगी। मैं इसी में डाल के पीस दूंगी। अगर आप तीखा ज्यादा खाते हो तो थोड़ा मिर्चा और डाल दीजिए, और गरम मसाला अगर आपको पसंद है इसमें तो थोड़ा डाल सकते हैं। मैं तो नहीं डालती, हमारे घर में तो ऐसे खा लेते थे सब। अब इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया और मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हल्दी। ये देखिए हल्दी जितना आपको पीला चाहिए उतना कर लीजिए, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा। और मेन चीज है इसमें हींग। हींग आप कोई भी डालिए, जो भी आपके पास हो वही हींग डालिए। ये देखिए मेरे पास तो डिब्बे वाला था, मैं ही डाल रही हूँ। अच्छा है, स्मेल अच्छा आता है इसका। बस अब सारी चीजों को एक बार आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए पूरा हींग मसाले आपके सारे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे ढककर रख दीजिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। गरम हो चुका, हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए जब तक पक रहा है आप पानी ले लीजिए। अभी हमारा मेथी दाना हो गया है अच्छे से, अब मैं डालूंगी पानी। आप भी गैस बंद कर दीजिए, मैं भी बंद कर दी हूँ, क्योंकि ये पानी का छींटा ऊपर आ सकता है, तो आप बच के रहिए। आप इसमें काफी सारा पानी डाल दीजिए और फिर मैं गैस जला देती हूँ। और इसको अभी इसमें नमक डालकर छोड़ दीजिए पकने के लिए, उबाल आता है तब तक। हम चलते हैं दूसरे प्रोसीजर पे अपना। ये देखिए नमक डाल दीजिए, बस अब इसको पकने दीजिए। दोस्तों मैं गांव गई थी, वहां का आटा है ये, मेरे घर में छोटा वाला चक्की है, उसमें से मैं पीस के लाई हूँ और इसी का मैं बनाऊंगी। चावल का आटा है ये, चावल के आटे में बनता है, तो चावल का आटा आप ले लीजिए। ये देखिए आटे में, चावल के आटे में आप स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल दीजिए। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया। बस अब इसको मैं आटे की जैसा बनाऊंगी, गूंथूंगी आटा, गूंथ के दिखाती हूँ आपको। हमारा आटा तैयार हो चुका है, ये देखिए मैंने सान के रख लिया है। इसको नरम ही सानिए, एकदम जैसा रोटी बनाते हैं वैसा। देखिए मेरे अदहन में उबाल आ गया है, कितना अच्छा उबाल आया है। पानी पूरा खोलना चाहिए। और मैं देखिए आटा लीजिए आप, ऐसा इतना सारा लेके आप छोटा लोई बनाइए और इसको ऐसा रोटी जैसा बना लीजिए। ये देखिए मोटा रोटी कैसे बनाते हैं वैसा। ऐसा बनाने के बाद ये देखिए इतना मोटा आपको रखना है। इसमें आप ये जो मैं पिट्ठी बना के रखी थी इसमें आप ये देखिए बस फैला दीजिए। थोड़ा ज्यादा कम, जितना आपको जमे उतना डाल सकते हैं आप। इसको डालने के बाद ये देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए है ना, बन गया ना। अब इसको खोलते हुए पानी में ये आप डाल दीजिए। ऐसे करके आपको सब बनाते जाना और डालते जाना है, जल्दी जल्दी बनाना है दोस्तों। ये देखिए मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ आपको। पिंक दवाई लगाओ उसको।
ये देखिए बस ऐसे करके आप सब डाल दीजिए। आपको किस ऐसा कोई कलछी लेना है पतली डंडी या ऐसा कुछ जो ताकि फूटे ना, इसको धीरे धीरे आप इसको हिला दीजिए अपनी जगह से, वो जगह छोड़ देगा। और याद रखिए कि पानी हमेशा उबलता रहना चाहिए, आग हमेशा फास्ट पे ही रखिए। ये देखिए हमारा आराम से सब छोड़ दिया। ऐसे करके आपको सब डाल देना और चलाते जाना है रह रह के। बस ये देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है दोस्तों, और उबलते उबलते मेरा ये देखिए लगभग पक चुका है। और आप धीरे धीरे चलाते जाइए इसको, धीरे धीरे पकते रहेगा। तो मेरा कम से कम 15 मिनट हो गया है इसको पकते हुए, और आप देख सकते हैं अच्छा खासा पक चुका है। इसका जो जूस है वो भी गाढ़ा हो चुका है, अभी वो दिखाता है कि हमारा कितना अच्छा से पक रहा है फरा। चावल का फरा बहुत खाने में अच्छा लगता है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए अभी क्या करेंगे, मैं इसको ढक के रख दूंगी। ढकने से क्या होता, अच्छे से पक जाता है ऊपर तक, जो भी पानी में नहीं है वो भी। ये देखिए मेरा सब पक के हो गया। ये देखिए मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ कितना अच्छे से पका है, और एक भी फूटा नहीं है दोस्तों। मेरा थोड़ा सा भी कहीं भी एक फरा फूटा नहीं है। ये मेरी सासू जी का ट्रिक है, हम लोग उनके तरीके से बनाते थे, मेरे तरीके से आप बनाइए। देखिए कितना अच्छा फरा मेरा बन के तैयार हुआ, चावल का गोईठा, कोई कोई गोईठा बोलता है, कोई चावल का फरा बोलता है, जो भी आपके इधर बोलते हो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच।